दोस्तों हमारे पास आ चुका है पेप्लॉन की तरफ से ये कलर। तो आज हम जो है चीनी को कलर करेंगे। इसमें 6 बॉटल्स है, तो चलिए मैं आपको 6 बॉटल्स दिखाता हूँ कि कौन कौन सा कलर है। दोस्तों आप लोगों का काफी सारा सवाल रहता है कि चीनी कैसे कलर करें, चीनी रंगने का कौन कौन सा कलर होता है। तो देखिए हमारे पास पेप्लॉन की तरफ से ये कलर आया हुआ है जो कि फ्लिपकार्ट से ऑर्डर किए हैं। सब कुछ मैं आपको डिटेल में बताता हूँ कि इसमें कितना कलर बॉक्स है और कितना प्राइस लगा और इसमें कौन कौन सा कलर मिलता है। साथ में हमारे पास चीनी भी है, तो चीनी को कलर करके देखेंगे कि इस कलर से कितना कलर आता है और किस तरह का मटेरियल बन के तैयार होता है। तो चलिए मैं सबसे पहले आपको कलर दिखा देता हूँ। तो यहाँ पे देखिए इसमें 6 बोतल यानी कि 6 बोतल मिलता है, जो कि मैं आपको बाहर निकाल के दिखाता हूँ। तो ये रहा, ये 6 बोतल्स है। सबसे पहले ये वाला जो बॉटल्स है वो येलो है, और ये जो बॉटल्स है वो पिंक है, ब्लैक है और रेड है, और यहाँ पे आपको ग्रीन मिल जाता है और ये ब्लू मिल जाता है। ये कुछ 6 बोतल्स है जिसमें इसकी अगर 20 ml की एक बोतल्स है और एक बोतल्स की अगर MRP आप देख पाएँ तो 50 रुपीस लिखा हुआ है। तो इस हिसाब से यहाँ पे 300 रुपये होता है, बट यहाँ पे 300 रुपये नहीं लगा है, यहाँ पे कम लगा है। कि आप स्क्रीन पे देख सकते हैं फ्लिपकार्ट से ऑर्डर किए थे 215 रुपये, तो 15 रुपये का मुझे मिला है ये 6 बोतल। तो ये देखिए हमारे पास चीनी है, ये रहा चीनी, और हमारे पास वेट स्केल भी है और मिलाने वाले बर्तन भी है। तो चलिए हम सबसे पहले जो है वो सभी कलर को देखेंगे, 2-3 कलर मिला के साथ में देखेंगे इस मशीन से बना के कि इस तरह का बनेगा। तो अभी सबसे पहले जो है हम पिंक कलर बनाएंगे क्योंकि पिंक कलर ज़्यादा खूबसूरत लगता है देखने में। तो ये रहा पिंक कलर। तो अभी जो है हम चीनी को सबसे पहले निकाल लेते हैं। हम जो है वो 250-250 ग्राम करके कलर करेंगे ताकि जो है वो ज़्यादा कलर हो पाए और अलग अलग फ्लेवर में हम बनाएंगे। तो चलिए इस मशीन को ऑन करते हैं, चालू हो गया, और इसमें जो है वजन कर लेते हैं। सबसे पहले इसको टेयर करते हैं। तो ये देखिए अभी 253 ग्राम है यानी कि 250 ग्राम ये चीनी हो गया है। तो चलिए इसमें जो है ले लेते हैं कंटेनर में और मिक्स करके देखते हैं। तो इसमें मिक्स करके देखेंगे इस वाले बर्तन में, तो इतना चीनी हुआ है। सबसे पहले जो है वो पिंक कलर को हम यहाँ पे मिलाएंगे और इसमें से देखते हैं कितना बूंद लगता है। तो सबसे पहले हम 2 बूंद देते हैं, 1 बूंद, 2 बूंद, 3 बूंद दे देते हैं। चलिए इतना काफ़ी लग रहा है मुझे, तो जो है इसको वापस से बंद करते हैं, रखते हैं। कलर दोस्तों काफी खूबसूरत आ रहा है, ये देखिए ये चीनी जो हमने कलर कर लिया है, और इसमें ज्यादा देर मिलाने की भी जरूरत नहीं है। तो देखिए किस तरह का कलर हुआ है। ये रहा, तो अभी जो है हम फिर से यहाँ पे चीनी ले ले रहे हैं कलर करने के लिए। तो ये चीनी है, और इस बार जो है हम ये ग्रीन कलर करेंगे। ये रहा ग्रीन कलर, तो इसमें जो है वो 3 बूंद 4 बूंद इसमें भी देते हैं, 1 2 3 4, बस बस ये देखिए ग्रीन कलर कलर हो गया है। ये देखिए इस तरह, ये रहा देखिए। तो ये देखिए चीनी जो है हमने 2 कलर अभी किया है, बाकी का हम इसको पहले बना के देखेंगे कि जब यहाँ पे इस मशीन में बनता है तो कुछ और हो जाता है और कलर देखने में अच्छा लगता है। तो अभी हम बना के देखेंगे रिजल्ट कैसा निकलता है, बाकी आपको और भी देखिए। ये चीनी हमने जो है वो कलर करके यहाँ पे रखा है और जो है मशीन जो है हमने जला दिया है। तो अभी हम इसको बना के देखेंगे किस तरह का इससे जो है मटेरियल निकल के आता है। तो ये कलर देंगे ग्रीन वाला कलर को, हम देखते हैं बना के। तो यहाँ पे है, दे देते हैं। तो चाकू ले आते हैं सबसे पहले। तो ये देखिए चाकू ले आए हैं ताकि जो है इसकी मदद से यहाँ पे ऐसे कर पाए। बाकी अगर मेरे और वीडियो देखना चाहते हैं तो आपको चैनल पे सभी वीडियो मिल जाएगा, तो आप जाके वहाँ से भी देख सकते हैं। इसमें पहले से जो है वो बहुत सारा सफ़ेद चीनी था, तो कोई बात नहीं, देख लेते हैं कि कैसा कलर आता है, क्या आता है।
तो दोस्तों ये देखिए बनना जो है वो शुरू हो चुका है। वाह, इससे जो है वो कलर काफ़ी अच्छा आ रहा है। तो पूरा बना के आपको दिखाते हैं। ये रहा, तो ये रहा। चलिए इसको अभी निकाल के दिखाते हैं आपको। हाँ, तो ये दोस्तों अच्छा बना है। वाह वाह वाह, अच्छा बना है। तो ये देखिए, तो देखने में ठीक ठाक लग रहा है, पहले से अच्छा लग रहा है और कलर भी अच्छा निकला हुआ है। दोस्तों देखिए, इससे जो है वो क्वालिटी जो है वो मतलब अच्छा आया है। मैं इतने दिनों से बना रहा हूँ और भी कलर से, तो उससे क्या होता था कि जो कलर अलग हो जाता था और जो चीनी रहता था वो अलग हो जाता था, लेकिन इससे जो है वो सही आया है, बिल्कुल एकदम परफेक्ट। आप देख सकते हैं, देखने में भी अच्छा लग रहा है और ज़्यादा वेस्टेज भी नहीं है। ये देखिए इस तरह का। तो दोस्तों अभी ये देखिए पैकेट, तो यहाँ पे जो है उतना अभी ग्रीन नहीं दिख रहा है, लेकिन कुछ देर के बाद जो है जैसे जैसे ठंडा होगा वैसे वैसे ग्रीन दिखना स्टार्ट हो जाएगा। हमने जो है हरा कलर ट्राई किया था और अभी पिंक कलर को ट्राई नहीं किया है, तो इस कलर में अच्छा बन रहा है, तो मतलब कि इस कलर में भी अच्छा ही बनेगा। और फिलहाल दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो लाइक करिए, और कुछ जानना चाहते हैं इस कलर के बारे में, परचेस करना चाहते हैं, तो मुझे आप कमेंट करके भी बता सकते हैं या फिर इंस्टाग्राम पे मुझे मैसेज कर सकते हैं। इंस्टाग्राम का लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, या फिर इंस्टाग्राम पे मुझे सर्च कर सकते हैं कैंडी वाला वन, वहाँ पे मैं मिल जाऊँगा, वहाँ पे मुझे मैसेज कर सकते हैं, कुछ भी पूछ सकते हैं। उम्मीद करता हूँ दोस्तों वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो लाइक करिए, चैनल सब्सक्राइब नहीं किए सब्सक्राइब कर सकते हैं, बेल आइकन दबा सकते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक जय हिंद।